अगर आप भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट इन एंजल वन या फिर एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें, तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज तो आप खुद जानते होंगे, आज के टाइम में अगर कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए पैसे ना देने पड़े और साथ ही साथ में आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल जाए जो जरूरी होती है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए। सो दोस्तों, ट्रस्ट मी, एंजल वन बहुत ही जबरदस्त ब्रोकर है, आपको जो भी फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है वो सारी की सारी इस अकाउंट के अंदर मिलने वाली है। अब दोस्तों, आप एंजल वन में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन कर सके, इसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो करना है, आप आसानी से अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब दोस्तों, अभी जाके उस पर क्लिक मत कीजिए, सबसे पहले पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अकाउंट ओपन करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। अब दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कैसे आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उससे पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, जैसे कि आपके पास आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो अगर आपने उसका फोटो खींच के रखा होगा तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अकाउंट ओपन करते वक्त आपको साइन भी करना होगा और साथ ही साथ में अपनी सेल्फी खींच के भी अपलोड करनी होगी, तो आप ऐसी जगह रहिएगा जहां पे लाइट आपके फेस पे अच्छे से आ सके ताकि आप प्रॉपरली सेल्फी खींच के अपलोड कर सको। सो दोस्तों, इतने ही डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है अकाउंट ओपन करने के लिए। चलिए अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज वापस से कंफर्म करना चाहूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और आप क्लिक करके फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्टर विद योर मोबाइल नंबर और नीचे की तरफ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो भी मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और देखिए, उसके नीचे आपको एक रेफरल कोड दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने आपको लिंक दिया उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो रेफरल कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन केस अगर रेफरल कोड नहीं आता है तो आपको यही रेफरल कोड एंटर करना है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, BIATK, यही रेफरल कोड आप एंटर कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये रेफरल कोड दे दूंगा, तो आप सिंपली वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अकाउंट ओपन करते वक्त इस रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर करें जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, BIATK। सो दोस्तों, अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। यहां पे मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया और उसके बाद में मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी रिसीव हो गया, वो मैंने यहां पे एंटर किया और सिंपली मैं क्लिक कर देता हूं कंटिन्यू के ऊपर। फिर दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, यहां पे आपको अपना पूरा नाम एंटर करना होगा और फिर कंटिन्यू के ऊपर एक बार फिर से क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों, ये आपसे कहेगा कि आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा ताकि ये KYC का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सके। सो ईमेल आईडी आप दो तरीके से यहां पे एंटर कर सकते हैं, सबसे पहला आपका जो जीमेल अकाउंट है उसके थ्रू कर सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी को मैन्युअली एंटर भी कर सकते हैं। सो मैं आपको मैन्युअली एंटर करके दिखा देता हूं। तो यहां पे मैंने मेरा ईमेल आईडी एंटर कर दिया, सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए, जो ईमेल आईडी मैंने एंटर किया होगा उसके ऊपर मुझे 4 डिजिट का एक कोड रिसीव होगा, वो मुझे यहां पे एंटर करना होगा। कोड एंटर करने के बाद में सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी, यहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यहां पे ये पूछ रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो डीजी लॉकर से ले लिए जाए, तो आपको सिंपली नीचे की तरफ जो अलाव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों, यहां पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नीचे की तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कैप्चा आपको दिखाई दे रहा होगा, उस कैप्चा को यहां पे एंटर करना होगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना होगा। दोस्तों, ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने अपने डीजी लॉकर के अंदर जो भी पिन सेट किया होगा वो पिन आपको यहां पे एंटर करना होगा। इनकेस अगर आप वो पिन भूल चुके हैं तो नीचे फॉरगॉट पिन का ऑप्शन दिया गया है, वहां से आप पिन को जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पिन याद है तो मैं फटाफट एंटर कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जहां पे आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स एंटर करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना पूरा बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है और उसके बाद में अपना IFSC कोड एंटर करना है। दोस्तों, जैसे ही आप IFSC कोड एंटर करेंगे आपका ब्रांच का जो डिटेल्स है वो पॉपअप होने लग जाएगा, सिंपली आपको उसको सिलेक्ट
सेलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पे लिखा हुआ है सेल्फी वेरिफिकेशन। सो दोस्तों यहां पे आपको अपनी एक सेल्फी खींच के अपलोड करनी होगी, तो मैं क्लिक सेल्फी के ऊपर क्लिक करके एक सेल्फी खींच के यहां पे अपलोड कर देता हूं। अब देखिए मैंने सेल्फी खींच के यहां पे अपलोड कर दिया, नीचे कंफर्म का ऑप्शन आ गया, उस पे मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जहां पे मुझे साइन करना होगा। अब दोस्तों यहां पे साइन करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई तो नीचे की तरफ साइन अगेन का ऑप्शन दिया गया, उस पे क्लिक करके आप फिर से साइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक बार साइन कर देना है और नीचे की तरफ जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया उस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहां पे ये कह रहा है एक्टिवेट डेरिवेटिव्स, मतलब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी ये सेगमेंट को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ये आपके लास्ट 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट को एक्सेस करने वाले हैं, जिसके लिए आपको कंसेंट देने के लिए ओटीपी एंटर करना होगा। अब देखिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और जो भी बैंक अकाउंट आपने लिंक किया होगा वो यहां पे आ जाएगा, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपको एक बार फिर से 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहां पे एंटर करके कंसेंट देना होगा। सो दोस्तों जैसे आप ओटीपी एंटर करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहां पे लिखा होगा लिंक अकाउंट और नीचे की तरफ देखिए लिखा है लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना होगा। दोस्तों ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपको अपने बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो जितनी भी आपकी एनुअल इनकम होगी वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब ये पूछ रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप जिस भी टाइप के एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है, जैसे सबसे पहले तो आपको अपने फादर का पूरा नाम लिखना होगा, उसके बाद में यहां पे बताना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों मेरे सामने पॉपअप आ चुका है जिसमें ये कह रहा है कि मैं 3 लोगों को एज ए नॉमिनी ऐड कर सकता हूं, सो अगर मैं चाहूं तो अभी ऐड कर सकता हूं और अगर मैं चाहूं तो बाद में भी कर सकता हूं, सो मैं डू इट लेटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का प्रीव्यू आप यहां से देख सकते हैं और नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड टू ई साइन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप फाइनली ई मुद्रा के पेज पे आ जाएंगे। सो यहां पे सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद में सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। सो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को आपको यहां पे एंटर करना होगा। एक बार ओटीपी आपने एंटर कर दिया उसके बाद में सिंपली वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों फाइनली हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स और लगभग 3 वर्किंग डे का टाइम लग सकता है अकाउंट ओपन होने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिनका इस्तेमाल करके आप एंजल वन की एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं और उसके बाद में शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों देखा आपने कितना सिंपल सा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को आपको भी फॉलो करना है। वैसे आप लोगों के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, आप भी अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।